तो बाबा हमारी पूरी कॉलेज लाइफ में चार बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अकेडमिक्स, कोडिंग, को करिकुलर और फ्रेंड्स। अब हम हमारी पूरी कॉलेज लाइफ में इन चार बॉलों को जगल करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश ये बैलेंस हो जाए, लेकिन होता क्या है, एक बॉल भी ढंग से बैलेंस नहीं हो पाती। लेकिन 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 यदि आपने स्मार्ट तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी तो ये आप चारों बॉल्स बैलेंस कर सकते हो। और ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल टिप दूंगा, बुकिश वाली टिप्स नहीं दूंगा जो एप्लीकेबल नहीं होती। आपको लग रहा होगा बाबा आप कैसे बता रहे हो कि ये चार चीज़ें कैसे बैलेंस करते हैं, आपने करी है क्या? तो यार देखो, ऐसा है कि यार मैं भी जब फर्स्ट ईयर में आया था ना तो बिल्कुल आपकी जैसे था कि कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ कब करूँ। लेकिन थ्रू आउट दी 4 ईयर्स मैंने यार बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सर ये मैं फ्लेक्स करने के लिए आपको नहीं बोल रहा, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे पे थोड़ा बिलीव कर पाओ कि हाँ जो मैंने चीज़ें करी है वो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब जो अपनी कॉलेज लाइफ होती है वो यार अलग अलग सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है, और ये जो सेमेस्टर्स होते हैं इसमें देखो तो यार आप चार टाइप के डेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डेज होता है अपना वीक डेज, दूसरे टाइप का जो डे होता है वो होता है वीकेंड्स स्लैश हॉलीडेज, जो तीसरे टाइप के डे होते हैं वो होते हैं यार एग्जाम पीरियड वाले टाइम के, और जो फोर्थ होते हैं वो होते हैं यार समर और विंटर ब्रेक। अब ये जो चार टाइप के जो डेज होते हैं उसमें हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डे में हमें कैसे चीज़ें ये बॉल्स मैनेज करनी है वो बताने से पहले हमारे यार दो रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो अपना रूल नंबर वन है वो ये है यार कि सेट योर सेमेस्टर गोल्स। अब आपको लग रहा हो बाबा ये सब फालतू चीज़ें करने की जरूरत है, गोल वोल क्या सेट करना, गो विद द फ्लो जाएंगे, है ना यार। आजकल सब लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं भी वेब डेवलपमेंट ही चालू कर देता हूँ। हाँ सही है। अबे ब्रो ये सब क्या कर रहा है, ML कर, ML फ्यूचर है अपना, ये सब फालतू चीज़ है यार। अच्छा ऐसा है क्या, तो एक काम करता हूँ फिर तो मैं ML कर लेता हूँ यार, ML करता हूँ मैं, ठीक है। अबे ओ ये सब क्या है, करना हो तो ऐप डेवलपमेंट करना चाहिए, 2 महीने करो और मेरी तो इंटर्नशिप लग गई। भाई साहब फिर तो सब छोड़ो, ऐप डेवलपमेंट करना है, अब तो अपन FD करेंगे FD। तो आप बस इधर का उधर ही होते रहोगे और वो सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव होता है। अब इससे होता क्या है यार कि आपने यदि गोल्स हर सेमेस्टर के एक बार डिसाइड कर लिए तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा और आप भटकोगे नहीं। और जो रूल नंबर 2 है वो ये है यार कि इन कोई से भी टाइप ऑफ डे में हम हमेशा यार मैक्सिमम 3 ही बॉल्स को एक साथ जगल करने की कोशिश करेंगे। 3 से ज्यादा आप किसी भी दिन पे ट्राई करोगे तो यार आपके सारे बॉल्स बिगड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं यार वीक डेज पे हमें कैसे मैनेज करना है। को यार 3 जो बॉल्स है वो जगल करनी रहती है। पहली बॉल रहती है यार कि अपनी अकेडमिक्स वाली, जिसमें आप असाइनमेंट दिया जाता है आपको। दूसरी होती है यार कि आप कोडिंग करना है आपको, है ना, वीक डेज पे। और जो तीसरी होती है वो होती है यार को करिकुलर। अब आपको लग रहा हो भैया वो चौथी बॉल कहाँ गई, फन वाली। तो यार जो फन वाली है वो यार जब आप कॉलेज में आते हो तो ऑटोमेटिकली एकेडमिक्स के साथ अटैच होकर आ रही है, जब भी हम वीक डेज में देखते हैं तो आप दोस्तों से मिलोगे, हंसी मजाक करोगे, तो इसीलिए इसमें वो बॉल आती नहीं है। अब इसमें यार आपको मैं जो प्रो टिप देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि यार जो भी असाइनमेंट्स है अपना टारगेट एक ही होना चाहिए कि यार असाइनमेंट, जब भी आपकी लो पावर एनर्जी मोड होती है ना, जब आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप दिन में खाना खाते हो उसके बाद आपको आलसी आलसी आती है, या यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके रूम पे लोग आ गए होकर टाइम पास मार रहे, बातचीत कर रहे। अब रही बात कोडिंग की, तो यार आप लोग आराम से चाहे कॉलेज में कितना ही असाइनमेंट दे रहे हो, कितना ही आपके 6 बजे तक की क्लासेस चल रही हो, आप यार 1 से 2 घंटे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कोडिंग के लिए। और यदि आपको को करिकुलर भी कुछ कर रहे हो, आपकी हॉबीज है, साइड हसल है, तो उसके लिए आप लोग 1 घंटे निकाल लो वीक डेज में, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप लोगों की पैरेलली प्लेसमेंट की भी तैयारी चालू हो जाएगी। अब ये क्या है, फ्री कोर्सेस? अच्छा ओ कोडिंग निंजास आपके लिए यार बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ले आया है। तो आप लोग को पता ही होगा यार कोडिंग निंजास में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल के कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो,
मशीन लर्निंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये सारे कोर्सेज की यार जो मेन अच्छी बात है वो ये है यार कि जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद भी यार फेसबुक, अमेजोन, स्टैनफोर्ड जैसी जगह से हैं, और यहाँ पे आपको यार यदि डाउट आता है तो 1-on-1 डाउट रिजोल्यूशन होता है। अब खुशखबरी क्या है, तो यार कोडिंग निंजास आपके लिए ले आया है यार स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 100% तक की स्कॉलरशिप इनके कोई भी कोर्सेज पे अवेल करवा सकते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो यार 25th और 26th मई को हो रहा है 9 PM पे। उसमें यार सिर्फ 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लोग 25th मई को मिस कर देते तो आप लोग यार 26th मई को टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप स्पेशल 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फी में। अब अपन चलते हैं यार दूसरे टाइप ऑफ डे, वीकेंड / हॉलीडे। अब इस टाइप ऑफ डे पे यार दो ही चीज़ होती है, या तो यार आपकी सोसाइटीज़ की मीटिंग होती है, इवेंट होते हैं, वेबिनार होते हैं, या तो आपके दोस्तों के प्लान बनते हैं कि चलो बाबा इधर घूमने चलते हैं, चलो आज खाने चलते, चलो आज मूवी चलते, वीकेंड है यार मज़े करेंगे। अब ये यार दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यार आपको मेमोरीज़ भी क्रिएट करना है, आपको स्किल भी एनहांस करना है। तो इसीलिए वीकेंड्स में यार दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, कि आपको कोडिंग प्लस आपका फ्रेंड वाली चीज़ मैनेज करनी है, या तो आपको कोडिंग प्लस आपका को करिकुलर वाली चीज़ मैनेज करनी है। अब इसमें यार आपको ध्यान रखना है कि यार आपके वीकेंड्स में चाहे आप बाहर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप यार एटलीस्ट 4-5 घंटे आराम से निकाल लो कोडिंग का। और यार वीकेंड्स ऐसा टाइम है जिसमें आप एक साथ स्लॉट निकाल सकते हो 4-5 घंटे का, क्योंकि आपका वो जो पूरा कॉलेज का इतना ज़्यादा टाइम जाता है, जो टाइम पास होता है जिसमें हम सीखते ज़्यादा कुछ नहीं है, वो वाला टाइम बच के आप उसको आराम से कोडिंग में डिवोट कर सकते हो। और बाकी जितना बचा हुआ टाइम है वो आप यार आउटिंग करो, सोसाइटीज़ की मीटिंग अटेंड करो, जो भी करो। अब इसमें एक और चीज़ है कि यार आपके ना दोस्त हर बार प्लान बना रहे हैं, हर चीज़ों में बोल रहे हैं कि हर वीकेंड चलो ये करो, तो इसमें एक जो प्रो टिप है वो ये है यार कि लर्न टू से नो। यदि आप लोग को यार मना करते नहीं आता ना यार आपके दोस्तों को कि हर प्लान में यदि आप घुस रहे हो और पूरा पूरा दिन ही निकाल दे रहे हो, तो इसका मतलब यार फिर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों को लगता है ना कि यार हमने मना कर दिया तो बुरा लगेगा दोस्तों को ये वो, तो यार यदि आपके वो जेन्युइन दोस्त है ना तो वो भी समझेंगे यार कि आपने आज मना करा है तो इसी रीज़न से आपको करना है। और यदि वो नहीं समझ रहे तो बाबा वो आपके दोस्त नहीं है, वो फर्जी दोस्त है जो बस मस्ती के लिए हैं, और ऐसे दोस्त है तो दूर ही रहो, फिर दोस्त बनाओ ही मत। क्योंकि यार यदि आप किसी चीज़ को येस बोल रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तो आप बैक एंड में किसी चीज़ को नो भी बोल रहे हो कि नहीं आज मैं कोडिंग नहीं करूँगा। तो इसीलिए ये वाला बैलेंस आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको मस्ती भी करनी है लेकिन कभी कभार मना भी करना है कि नहीं भाई आज तो मेरे को करना है। अब जो तीसरे टाइप का डे है वो है यार एग्जाम पीरियड। अब बाबा देखो ऐसी बात है कि एग्जाम पीरियड वो होता है कि 2 हफ्ते पहले आपके एग्जाम से चालू हो जाए, चाहे आपका मिड सेम हो तो 1 हफ्ता, एंड सेम हो तो 2 हफ्ता। ये वो पीरियड है जहाँ पे आपको सारी मोहमाया छोड़ देना है और सिर्फ एक बॉल पे फोकस करना है, वो है एकेडमिक्स। अब आपको लग रहा होगा यार कि ये एग्जाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है क्या, CGPA ज़रूरी है? तो यार देखो ऐसा है मेरे हिसाब से, CGPA यार यदि मैं बोलूँ आपको प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कि भाई CGPA का ज़रूरी है कि नहीं है, बिना CGPA के हो सकती है क्या प्लेसमेंट, तो यार बिल्कुल आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या होता है यार कि यदि आपकी CGPA अच्छी होगी तो यार वो आपको एनहेंस ही करेगा प्लेसमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यार दो बंदे हैं और दोनों बंदों की सेम स्किल है, ठीक है, सेम कोडिंग स्किल आती है। अब दोनों बंदों की यार सेम टेस्ट दिया, सेम टाइप का स्कोर आया, तो क्या चीज़ देखेंगे कि बाबा तुम्हारी CGPA किसकी ज़्यादा हाई है, जिसकी CGPA ज़्यादा हाई होगी उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। इसी वजह से यार आपको एक डिसेंट CGPA मेंटेन करके चलना है, और यार डिसेंट यार 8-8.5+ CGPA ना मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता ही नहीं है। आपको क्या करना है यार, एक बहुत ही फेमस लाइन है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेंटेन गुड CGPA मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद टॉपर्स। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और आप लोग को जो टॉपर लोग हैं उनको फ्रेंड्स बना के रखना है। और करना क्या है यार कि 2 हफ्ते पहले अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपके जो टॉपर है उससे नोट्स वोट्स लो कि मैम ने क्या पढ़ाया है, कौन सी वीडियोस देखनी है, उससे सब समझ लो, और 2 हफ्ते पहले आराम से पढ़ना चालू कर दो। और आप जो जो एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब देखो और उससे आइडिया लगा लो कि यार क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। और उस तरीके से यदि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आप यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से CGPA वाली चीज़ भी आराम से क्रैक कर पाओगे बिना ज़्यादा लोड लिए, ठीक है। अब इस समय यार आप वो जो कोडिंग वाली बॉल है ना उसको बिल्कुल भूल जाना। आप ये मत सोचना कि यार मैं इस समय कोडिंग भी करूंगा, ये भी करूंगा, क्योंकि आप फिर क्लटर मचा दोगे। उससे अच्छा आप एग्जाम टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करो, कोडिंग वोडिंग दोस्ती वोस्ती तो पहले हटा देना ना, दोस्त तो पहले हटा देना, और ग्रुप स्टडी यदि आपको सूट करती हो तभी करना, वरना तो बाबा मैंने जितनी ग्रुप स्टडी करी है ना उसमें बस ग्रुप मस्ती होती है, स्टडी का तो कोई नामो निशान नहीं होता। अब अपन चलते हैं अपनी आखिरी टाइप ऑफ डे में, समर और विंटर ब्रेक। तो बाबा ये जो समय है
इसमें तो आपको खूब पेल पेल के मतलब यूटिलाइजेशन करना है और खूब प्रोडक्टिव होना है। अब इसमें आपको जो दो बॉल्स मैनेज करनी पड़ सकती है वो होती है यार पहली कोडिंग, और जो दूसरी बॉल है वो है यार को करिकुलर, कि आपकी कोई हॉबीज होगी वो आप परस्यू कर सकते हो समर ब्रेक विंटर ब्रेक में। अब ये जो कोडिंग वाली बॉल है इसमें यार आपको 5 से 6 घंटे आराम से देने हैं, क्योंकि अब आपका कोई कॉलेज नहीं, कोई एकेडमिक्स का दिक्कत नहीं, आप लोग फ्रेंड से भी आइसोलेट हो जाते हैं, जब समर ब्रेक पड़ता है तो आप इतना मिलना जुलना नहीं होता। ये वाला जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, आपको कोई DSA सीखना है, उनके DSA के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी लगातार, तो आप यार इसको खराब होने से बचाना है ना, इसको ऐसे मजा मजे में मत उड़ा देना कि आए चिल करो सीरीज देखो, क्योंकि यार ये वाली चीज़ भी बिगाड़ी तो आप फिर समझ रहे हो आपकी जो कोडिंग का मेन जो टाइम था वही आप मिस कर रहे हो। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा यार कि कॉलेज लाइफ और कोडिंग को अच्छी तरीके से कैसे बैलेंस करना है। अब जितने भी लोग कोडिंग कर रहे हैं वो लोग यार अक्सर यार कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इस वजह से यार उनको हाई पैकेजेस छोड़ने में दिक्कत आती है। तो इस वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि कैसे आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखना। अपन इस वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।